बच्चों ये क्लास फिफ्थ लेसन नंबर वन ध्यान दें, क्लास फिफ्थ का लेसन नंबर वन की रीडिंग है। लेसन फर्स्ट है अबू अली एंड हिज डंकी। लेसन फर्स्ट का जो टाइटल है अबू अली एंड हिज डंकी। इस लेसन के बारे में थोड़ा सा आपको समझा दें। बिफोर बिगिन्स, अबू अली वॉज अ फुलिस मैन। अबू अली एक मूर्ख आदमी था। ही लिव इन अ स्मॉल टाउन, वो एक छोटे से टाउन में रहता था। ही वॉज अ रिच मैन, वो एक अमीर आदमी था। एंड हैड प्लेंटी ऑफ मनी, और उसके पास जो है पर्याप्त मात्रा में पैसा था, यानी वो अमीर आदमी था। बट ही हैड नो चिल्ड्रेन, लेकिन उसके पास, कहने का मतलब है उसके कोई भी संतान नहीं थी, उसको कोई भी बच्चा नहीं था। व्हाट हैपेंड देन, अब इस कहानी में आगे और क्या होता है, रीड इन दिस पिक्चर स्टोरी। यानी ये जो लेसन है वो एक पिक्चर स्टोरी है, जैसा कि आपके पास बुक्स में सामने दिखा भी रहे हैं। वन डे, एक दिन, राइडिंग ऑन हिज डंकी, एक दिन वो अपने डंकी से, घोड़े से, गधे पर से बैठ करके जा रहा था कहीं। ही वॉज पासिंग बिसाइड अ स्कूल, वो एक स्कूल के पास से गुजर रहा होता है। अब आगे स्टार्ट होती है स्टोरी। वो जब स्कूल के पास से गुजर रहा होता है तो स्कूल के अंदर से एक आवाज़ आती है, वहाँ के जो टीचर्स थे उनकी, बिहेव योर सेल्फ बॉयज, आई हैव डील विद प्लेंटी ऑफ नॉटी बॉयज लाइक यू। आप अपने मैनर्स में रहें, बिहेवियर में रहें, मैं आप जैसे नॉटी बॉयज को कैसे डील किया जाता है मुझे मालूम है। आई नो हाउ टू मेक मैन ऑफ एसेस, गधों को आदमी कैसे बनाया जाता है मैं अच्छे से जानता हूँ। ऐसी आवाज स्कूल के अंदर से आती है, उस स्कूल के जिसके बगल से वो जा रहा होता है, अबू अली। अबू अली सोचता है, ओ दिस मौलवी हैज मिरेकुलस पावर, इस मौलवी के पास एक जादुई ताकत है। ही कैन मेक अ मैन आउट ऑफ एन नेस्ट, एक गधे को आदमी बना सकता है। आई हैव अ डंकी बट नो शंस, मेरे पास एक गधा है लेकिन मेरे कोई भी संतान नहीं है। इफ आई बेग हिम टू टर्न माई डंकी इंटू अ मैन, यदि मैं उससे प्रार्थना करूं, उससे विनती करूं कि इस मेरे गधे को आदमी बना दे, ही वुड डेफिनेटली हेल्प मी, निश्चित तौर पर वो मेरी हेल्प करेगा, ऐसा अबू अली सोचता है। इसके बाद अबू अली स्कूल के अंदर जाता है और वहां के मौलवी से बात करता है और कहता है, ओ माई लर्न टीचर, वो मेरे संबोधित करते हुए उस टीचर से कहता है कि हे टीचर महोदय जी, आई बेग यू टू टर्न माई डंकी इंटू अ मैन, कि मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि ये जो मेरा गधा है इसको आप आदमी बना दें। बट हाउ कैन इट बी पॉसिबल, अब वहां के जो मौलवी होते हैं वो अबू अली की बात सुनकर के कहते हैं, बट हाउ कैन इट बी पॉसिबल, ये कैसे संभव है, हाउ कैन अ डंकी बिकम अ मैन, एक आदमी को गधा कैसे बनाया जा सकता है या कैसे हो सकता है। डोंट डिसअपॉइंट मी, अबू अली अब
आगे कहता है कि आप मुझे निराश मत करें, आई हैव जस्ट हर्ड, मैंने अभी अभी सुना है आपको टेलिंग, ये कहते हुए द बॉयज लड़कों से, दैट यू नो हाउ टू मेक मैन ऑफ एसेस, कि तुम जानते हो कि गधों को आदमी कैसे बनाया जाता है। ऐसी बात को अबू अली जो है टीचर से कहता है। बट इट इज नॉट ईजी, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड मनी। अब वहां के जो मौलवी होते हैं, वहां के जो टीचर होते हैं, वो अबू अली से कहते हैं बट इट इज नॉट ईजी, ये आसान नहीं है, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, इसके लिए काफी समय लगेगा एंड मनी और पैसा लगेगा। अबू अली जो है झट से बोलता है नो नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं, आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, आई विल गिव यू वॉट एवर यू लाइक, मैं वो सब कुछ दे सकता हूं आप जो चाहते हो। ओनली टर्न माई डंकी इन टू ए मैन, केवल आप इतना काम करें कि आप मेरे इस गधे को आदमी बना दें। ओके देन लीव योर डंकी हियर एंड गिव मी सम एडवांस। अब मौलवी जी सोचते हैं, सोच कहते हैं अबू से ओके कोई बात नहीं, ठीक है डन है, देन लीव योर डंकी, आप अपने गधे को नहीं छोड़ दें, एंड गिव मी, और दीजिए सम एडवांस, इसके बदले में थोड़ा सा हमें आप एडवांस दीजिए। अबू अली तुरंत तैयार हो जाता है और कहता है हियर इज 500 दिनार्स, और कहता है ये रहे 500 दिनार्स मतलब मनी। वेल वेन विल आई कम टू टेक माई सन, अबू अली आगे कहता है वेन तब मैं विल आई कम टू टेक माई सन, मैं अपने लड़के को लेने कब आ सकता हूं, कम आफ्टर सिक्स मंथ्स। वहां के जो मौलवी होते हैं वो अबू से कहते हैं कि आप 6 मंथ बाद आइए। अबू अली आई एम हेयर टू टेक माई सन कम होम, वेयर इज ही। 6 महीने के बाद अबू अली जब दोबारा से उस मौलवी के पास आता है अपने गधे को लेने के लिए, वो कहता है आई एम हेयर टू टेक माई सन होम, आई एम हेयर, मैं यहां पर आ चुका हूं अपने लड़के को अपने बच्चे को घर ले जाने के लिए, वेयर इज ही, कहां पर है वो। ओ फूलिश इज बैक अगेन, जब ये बात मौलवी जी सुनते हैं अबू की, मन में सोचते हैं और कहते हैं कि ओह द फूल इज बैक अगेन, ये मूर्ख दोबारा से आ गया, आई हैव मेड हिम अ ग्रेट मैन, नाउ ही इज द न्यू काजी ऑफ अवर टाउन, एंड गो एंड मीट योर सन, आई हैव मेड हिम अ ग्रेट मैन, मैंने उसे एक महान आदमी बना दिया है, नाउ ही इज द न्यू काजी ऑफ अवर टाउन, कि वो हमारे टाउन के अब नए काजी हैं, गो जाइए एंड मीट योर सन, और जाइए आप अपने लड़के से मिलिए जाकर। बट विल ही रिकनाइज मी, अबू सोच में पड़ जाता है और कहता है बट विल ही रिकनाइज मी, क्या ये हमें पहचान लेंगे, कहता है अबू काजी से कहता है कि क्या वो लड़का मुझे पहचान लेगा, वाई नॉट, काजी जी बिल्कुल श्योर होके कहते हैं क्यों नहीं, वाई नॉट, He will surely recognize you, वो निश्चित तौर पर आपको पहचान लेंगे, just take a rope
you used to gather him and with and how it to him. Just take the rope. केवल आप रस्सी लेकर जाएंगे जिस रस्सी से आप उसको यहां लेकर आए थे. एंड सो इट टू हिम, और उसको वो रस्सी दिखा दीजिए. गुड आइडिया, आई एम गोइंग टू हिम राइट नाउ. अबू कहता है बहुत अच्छा विचार है, मैं अभी जाता हूं, तुरंत अभी. डोंट फॉरगेट टू टेक द रोप. काजी चिल्लाते हुए अबू से कहता है कि डोंट फॉरगेट टू टेक अ रोप, उस रस्सी को ले जाना आप कतई मत भूलें. अबू बहुत जल्दी में रहता है और कहता है कि रेस्ट अज्योर्स, आप निश्चिंत रहिए, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए. मतलब अबू को पूरी तरह से यकीन हो गया था कि उस काजी ने हमारे गधे को आदमी बना दिया. बहुत खुश था. दौड़ते हुए अबू काजी के पास पहुंचता है. Who are you? Why have you turned my office with this rope? वहां का जो काजी होता है वो चिल्लाते हुए कहता है, Who are you? आप कौन है? Why have you turned my office with this rope? इस रस्सी के साथ आप मेरे ऑफिस में कैसे अंदर आ गए? Oh my son, do you not remember me? अबू कहता है कि मेरे लड़के, क्या आपको मैं याद नहीं हूं? The मौलवी made you a qazi. मौलवी ने आपको काजी बना दिया है. You are my donkey and now my son. आप मेरे गधे थे और अब आप हमारे लड़के बन गए हो. ऐसा वो अबू उस काजी को कहता है. What an ungrateful son. What nonsense. Guards, throw him out of my office. जो काजी होता है वो बिल्कुल नाराज हो जाता है, आगबोला हो जाता है और कहता है अपने गार्ड से, What nonsense, कितना बेवकूफ आदमी है, throw him out of my office. इसे मेरे ऑफिस से बाहर फेंको. और वहां के जो गार्ड्स होते हैं उनको पकड़ करके अबू को बाहर फेंक देते हैं. अब अबू बिल्कुल निराश हताश होकर कहता है, What an ungrateful son, कितना ये बिल्कुल गंदा हमारा लड़का है. आई विल आस्क द मौलवी टू मेक यू अ डंकी वंस अगेन. कहता है कि मैं दोबारा से मौलवी जी से कहूंगा कि इसे दोबारा से, मौलवी से कहूंगा कि दोबारा से इसे गधा बनाते. अबू अली रसेस टू द मौलवीज हाउस. अबू अली जो है वो मौलवी के घर की ओर भाग कर जाता है. ओ द फूल इज बैक अगेन. मौलवी जब अबू को देखता है तो दोबारा से अपने मन में सोचता है कि ओह ये मूड दोबारा से आ गया. अबू अली मौलवी जी से कहता है, What a chance is my son's behavior. What a change is my son's behavior. मेरे सन के बिहेवियर में कितना बदलाव आ गया है. I will teach him a lesson right now. मैं उसे अभी एक पाठ सिखाना चाहता हूँ. मैं अभी उसको उसकी औकात दिलाना याद दिलाना चाहता हूँ. ऐसा जो है अबू अली जो है मौलवी जी से कहते हैं, What's the matter? Did not your son recognize you? क्या मामला है, क्या आपके लड़के ने आपको नहीं पहचाना? Is quite ungrateful. Make him a donkey again. वो महान लड़का नहीं है, उसको दोबारा से गधा बना दो. But it is not possible. मौलवी जी कहते हैं, अब ये तो संभव नहीं है. I can't turn a donkey into a man. मैं गधे को आदमी तो बना सकता हूं, but not a man into a donkey.
लेकिन मैं किसी गधे, बट नॉट अ मैन, लेकिन किसी आदमी को मैं गधा नहीं बना सकता। ओ मी, व्हाट विल आई डू नाउ, अब मैं क्या कर सकता हूं। सिर पर हाथ रखते हुए अबू अली काजी से कहता है, आई हैव जस्ट लॉस्ट माई डंकी एंड माई सन बो, और वो बड़े ही निराश और हताश से कहता है कि मैंने अपना गधा भी खो दिया और अपना लड़का भी। तो बच्चों, इस लेसन से आपने क्या सीखा? ये पूरा लेसन एक पिक्चर बेस्ड स्टोरी थी,